हाय एवरीवन, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और लास्ट लेक्चर में डाइसेकराइड स्टार्ट किए थे जिसमें सुक्रोज को कम्प्लीटली हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे, सुक्रोज का कॉमन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। अब एक और इम्पॉर्टेंट डाइसेकराइड है सुक्रोज के बाद, इसको हम लोग माल्टोज के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं, माल्टोज या फिर माल्ट शुगर। सुक्रोज के बारे में जो स्टडी किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है, एक है ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज उसमें पाइरनोज फॉर्म का होता है और अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि फ्रुक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म में रहता है और वह बीटा के फॉर्म में होता है। मेन यही बात था। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और वह लिंकेज एनोमेरिक कार्बन के बीच बन रहा था। और यदि किसी भी मोनोसेक्राइड का या किसी भी कार्बोहाइड्रेट यूनिट का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वो हम लोग देख चुके थे सुक्रोज के बारे में। तो बेसिक सब बात याद रखना हम लोग को, क्या कि सुक्रोज मिल करके बना हुआ है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, दोनों के एनोमेरिक कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं C1 और C2। अब माल्टोज को यदि हम लोग कंसिडर करें यहाँ से, तो बोल रहा है कि माल्टोज को जो है स्टार्च से बनाया जाता है, स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उससे, तो C6H10O5 का होल N, दिस इज स्टार्च का दो मोल रहेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और इंजाइम यहाँ होता है, दैट इंजाइम इज डायस्टेस, तो बनेगा NC12 H22O11 एंड दिस इज माल्टोज। यहाँ डायस्टेस एक इंजाइम है जो प्रेजेंट रहता है माल्ट में। ये माल्ट क्या होता है, तो बार्ली सीड्स। बार्ली का मतलब होता है जौ, गेहूं के जैसा फसल होता है ना एक जौ, तो उसको हम लोग बार्ली बोलते हैं। तो उसके सीड्स में जो है या इंजाइम रहता है डायस्टेस, मतलब उसके सीड्स में माल्ट है और माल्ट में क्या है, डायस्टेस है। तो स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस किए एक स्पेसिफिक इंजाइम के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट यहाँ से बन जाता है माल्टोज। और यह जो माल्टोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सुक्रोज भी क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माल्टोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कुछ कॉमन से और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे माल्टोज इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 160 to 165 डिग्री सेल्सियस, वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, और जो सॉल्यूशन होगा एंड द सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सॉल्यूशन जो है वह कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लस साइन समझ गया ना, PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और म्यूटा रोटेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, इट अंडरगोज म्यूटा रोटेशन। तो माल्टोज को बनाया कैसे गया, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस से, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, आगे डील करना है हम लोग को स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इसके हाइड्रोलाइसिस से बनता है माल्टोज। इस इंजाइम का नाम जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस से जब माल्टोज बनता है तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आप पढ़े होंगे, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एक एंजाइम एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करता है, एक एंजाइम एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटलाइज कभी नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखोगे, इस एंजाइम का नाम याद रखेंगे। बाकी कॉमन से प्रॉपर्टीज हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज से ज़्यादा है, हालांकि उसके बाद वाटर में सॉल्युबल भी है, और सॉल्यूशन बनाओगे पीपीएल पास करवाओगे तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, म्यूटा रोटेशन होगा। म्यूटा रोटेशन को काफ़ी डीपली हम लोग स्टडी कर चुके हैं पहले। अब हम लोग बात करेंगे माल्टोज के स्ट्रक्चर की, कि माल्टोज के स्ट्रक्चर को किस आधार पर एस्टैब्लिश किया गया उसकी बात करेंगे। तो इसके पहले ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़े, या फिर इंट्रोडक्शन में ही देखे थे कि माल्टोज जो एक डाइसैकेराइड है, इसके दो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हैं, और दोनों हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या हैं, ग्लूकोज है। तो अब चूंकि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस से दो यूनिट ग्लूकोज मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि दो ग्लूकोज से ही मिल करके बना हुआ है माल्टोज का एक मॉलिक्यूल। तो किस प्रकार का लिंकेज है, वे ग्लूकोज अल्फा है कि बीटा है, इन सारी बातों के लिए कुछ रिएक्शन दिया जाएगा जो उस फैक्ट को सपोर्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग अब। स्ट्रक्चर ऑफ प्लस माल्टोज, स्ट्रक्चर को उसके लिए कई फैक्ट्स हैं। नंबर वन, कि जब आप माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे, या जो C12 H22O11 है प्लस माल्टोज, जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस, अगेन यहाँ माल्टेस जो है वह एक एंजाइम हुआ, तो माल्टेस के प्रेजेंस में जो है हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस होने से C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो मोल ग्लूकोज के ही मिल रहे थे, डी प्लस ग्लूकोज, दोनों यही था सेम, डी प्लस ग्लूकोज। तो अब चूंकि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है दोनों डी ग्लूकोज, तो इसका मतलब हो गया कि माल्टोज बना हुआ है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कम्बिनेशन से, और ग्लूकोज में भी जानते हैं हम लोग डी ग्लूकोज कॉमन है, एल से तो कोई मतलब है नहीं हम लोग को, तो डी ग्लूकोज का कम्बिनेशन से बना हुआ है माल्टोज। उसके बाद नेक्स्ट, कि यह एक रिड्यूसिंग शुगर है, यह एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर है मतलब जो कॉमन से रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इस सबको जो है रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस करेगा तो याद करो सुक्रोज में इस बात का चर्चा काफ़ी जोरों से किया गया था कि एक डाइसैकेराइड है तो उसमें जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़े रहेंगे, यदि दोनों एनोमेरिक कार्बन से जुड़े हैं, एनोमेरिक कार्बन का मतलब बताया गया फर्स्ट कायरल कार्बन ऐसे, तब वह शुगर होगा नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन यदि दोनों में से एक एनोमेरिक है, जो कि रहेगा ही, दोनों में से एक एनोमेरिक कार्बन 100% रहेगा ही रहेगा, दूसरा यदि एनोमेरिक नहीं है कोई और कार्बन है
तो उस केस में वह शुगर हो जाना है रिड्यूसिंग। अब चूंकि माल्टोज के बारे में आप बोल रहे हो कि यह एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो इससे यह बात स्पष्ट होता है कि इसमें जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में से एक ग्लूकोज एनोमेरिक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, मतलब फर्स्ट कार्बन से। इसमें एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट ही कार्बन होता है, और जो दूसरा ग्लूकोज है वह फर्स्ट कार्बन नहीं बल्कि इसके अलावे कोई कार्बन से बना रहा होगा। अब इसके अलावे कौन सा कार्बन से बना रहा होगा वो तो आगे के रिएक्शन से पता चलेगा। लेकिन यहाँ से कि माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब हुआ कि दो ग्लूकोज यूनिट जो आपस में जुड़े हुए हैं माल्टोज मॉलिक्यूल में, तो दोनों में से एक एनोमेरिक कार्बन से है, कार्बन नंबर वन से, और दूसरा एनोमेरिक कार्बन से नहीं है, माने कार्बन नंबर वन के अलावे किसी से है। तो किससे है उसको हम लोग आगे रिएक्शन से पता करेंगे। तो अभी तक का बात जो सामने आया कि माल्टोज दो यूनिट डी प्लस ग्लूकोज से बना है, उसमें से एक एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा हुआ है जबकि दूसरा एनोमेरिक कार्बन से नहीं है क्योंकि यह रिड्यूसिंग शुगर है। तो एनोमेरिक कार्बन से नहीं है तो किससे जुड़ा हुआ है, तो आगे के रिएक्शन में हम लोग देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या बतला रहा है, कि यह फिनाइल हाइड्राजीन से, मतलब माल्टोज आप लेते हो और इसका रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करवाते हो, हाइड्राजीन से करवाते हो, तो फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके ओसाजोन बनता है। पीछे हम लोग देख चुके हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। तो यह ओसाजोन का बनना क्या बता रहा है, कि जो ग्लूकोज यूनिट है, ग्लूकोज यूनिट इज प्रेजेंट इन हेमी एसिटल फॉर्म। देखो ग्लूकोज ओपेन चेन भी है, रिंग भी है, लेकिन जब ग्लूकोज के प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे थे तो वहाँ ओपेन चेन स्ट्रक्चर को फेल किए थे हम लोग, और देख रहे थे कि ग्लूकोज वहाँ पायरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, और उसी के चलते वह ओसाजोन फॉर्मेशन वगैरह करता था। तो चूँकि माल्टोज भी फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके ओसाजोन बना रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी जो ग्लूकोज यूनिट है वह साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, हेमी एसिटल फॉर्म में है। अब ग्लूकोज का हेमी एसिटल फॉर्म कैसे बनता था ये तो हम लोग ग्लूकोज में डील कर चुके हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ हम लोग समझेंगे। उसके बाद माल्टोज प्लस माल्टोज जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यह दो एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है अल्फा माल्टोज और एक है बीटा माल्टोज, दो फॉर्म में एग्जिस्टेंस है इसका। अल्फा माल्टोज का मेल्टिंग पॉइंट जो है 162-165 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह है +168 डिग्री। उसी प्रकार से बीटा माल्टोज का मेल्टिंग पॉइंट कम है उससे, 102 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका वैल्यू है +112 डिग्री। अब चूंकि माल्टोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा और बीटा, और ऐसे दो फॉर्म का एग्जिस्टेंस जिसका भी हुआ है उसमें म्यूटा रोटेशन तो काफ़ी कॉमन था, तो म्यूटा रोटेशन तो यहाँ होगा ही, 100% होना है, और हम लोग शुरू में ही लिखे थे। अल्फा फॉर्म देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, स्पेसिफिक रोटेशन भी अधिक है, बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, स्पेसिफिक रोटेशन भी कम है, तो म्यूटा रोटेशन हो करके या स्पेसिफिक रोटेशन जो है कोई एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुँचेगा ना, जो ऑलरेडी पहले देख चुके हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह में। तो उस हिसाब से हम लोग को समझ लेना है कि माल्टोज जैसे ग्लूकोज दो फॉर्म का था अल्फा बीटा,
वैसे माल्टोज भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा माल्टोज बीटा माल्टोज, दोनों के प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और अभी जो बात बताए कि चूंकि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो म्यूटा रोटेशन होगा, और म्यूटा रोटेशन हो करके जब इन दोनों का होगा म्यूटा रोटेशन तो वह इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा अल्फा डी वह है +136 डिग्री। दोनों के बीच होता है ना, एक का बढ़ता है रोटेशन और दूसरे का घट जाता है। तो ये 168 मतलब जो अल्फा फॉर्म था उसका स्पेसिफिक रोटेशन घट करके हो गया 136, और बीटा वाला का जो है 112 से बढ़ करके हो गया 136। तो म्यूटा रोटेशन में तो यही होता है कि एक का स्पेसिफिक रोटेशन घट जाता है, दूसरा का स्पेसिफिक रोटेशन जो है बढ़ जाता है। उसके बाद है कि यह जो प्लस माल्टोज है, इस प्लस माल्टोज का जब ऑक्सीडेशन किया गया ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहां से बन रहा था एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। और जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था इसका नाम था माल्टोबायोनिक एसिड। ध्यान देना है, तो प्लस माल्टोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किए तो बना एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहां समझना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ये क्या इंडिकेट किया? यह इंडिकेट किया कि इसमें से जो दो ग्लूकोज यूनिट है, दोनों ग्लूकोज यूनिट में से एक जो है उसमें हेमी एसिटल फॉर्म में है, या बोला जाए कि माल्टोज में जो है एक हेमी एसिटल ग्रुप है। यदि दो हेमी एसिटल ग्रुप होता तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता, लेकिन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो यह बता रहा है, एसिड का नाम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस यहाँ से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है मतलब एक हेमी एसिटल ग्रुप है। किसमें? माल्टोज में। दो हेमी एसिटल ग्रुप रहता तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता, लेकिन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो इसका मतलब इसमें हो गया कि एक ही हेमी एसिटल ग्रुप है। उसके बाद का रिएक्शन जो है डाइमिथाइल सल्फेट जब मिथाइलेशन करोगे आप, तो उसमें जो OH ग्रुप्स होते हैं ना उसका H रिप्लेस होता है मिथाइल ग्रुप के द्वारा। अब कौन कौन से H रिप्लेस होंगे, कौन कौन से H रिप्लेस नहीं होंगे, उसी के आधार पर जो है हम लोग स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं। मान लो 6 कार्बन है, 6 कार्बन में सब में OH तो नहीं है, एक कार्बन जो है वह तो रिंग बना रहा है ना। जैसे ग्लूकोज की बात करेंगे तो कार्बन नंबर 5 1 के साथ बना रहा है रिंग, तो 1 में तो OH है, 5 में नहीं है, तो इसका मतलब आप टोटल 5 OH हो गए। और 5 OH हो गए तो जब मिथाइलेशन करवाओगे तो ये 5 OH का H हट करके मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, मतलब पेंटा मिथाइल करके कुछ बनेगा। अब पेंटा मिथाइल तब बनेगा जब 5 OH फ्री हो। अब हो सकता है कि उसमें से एक OH ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा हो दूसरे मोनोसेक्राइड से, चूंकि आप डाइसेक्राइड पढ़ रहे हो, तो उसमें से एक OH चला गया खुद का रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक OH और चला जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ, तो उस केस में बच जाएंगे 4 OH। अब वे 4 OH कहाँ वाले बचेंगे वही पता चलेगा किससे, रिएक्शन से। तो हम लोग क्या देखें कि जो माल्टोज था, इस माल्टोज का ऑक्सीडेशन किए ब्रोमीन वाटर से तो सबसे पहले बना माल्टोबायोनिक एसिड। और इस माल्टोबायोनिक एसिड का अगेन हाइड्रोलाइसिस किए तो यहाँ से मिला, ध्यान देना है, 2-3-4-6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज और साथ ही साथ मिला 2-3-5-6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज। समझना है, यही सारा कुछ क्लियर करेगा।
ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ऑलरेडी जुड़ा रहता है, तो इन दोनों का जो है OH 1 का तो बचेगा, लेकिन 5 का OH तो चला गया था उसमें रिंग फॉर्मेशन में। तो एक चीज जो गायब देख रहे हो कि दोनों जगह से कार्बन नंबर 1 गायब है, यहाँ से भी कार्बन नंबर 1 गायब है, एक यहाँ से 5 गायब है और एक यहाँ से 4 गायब है, ऐसा। तो यहाँ से समझना क्या है, ध्यान देना कि चूंकि मिथाइलेशन के बाद जो मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब ऐसे होता है मिथाइलेशन, वो एच है ना, इसका रिएक्शन आप डाईमिथाइल सल्फेट से करवाओगे बेस के प्रेजेंस में, तो ये जाता है ओ और यहाँ जुड़ जाता है CH3, ऐसा बनता है एच के लिए। तो मान लो ये 5 कार्बन का वो एच है, तो ये जो मिथाइलेशन होगा 5 कार्बन पे होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 पे 3 पे 4 पे और 6 पे, 1 और 5 पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 और 5 पे वो एच ग्रुप नहीं है। यहाँ 2, 3, 5, 6, 1 और 4 पे नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ 1 और 4 नहीं है। तो रिंग फॉर्मेशन में तो जुड़ता है C1 और C5 जुड़ता है, इसका मतलब यहाँ जो 4 कार्बन है वही 4th कार्बन गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में दूसरे ग्लूकोज के साथ। तो अभी क्या बताया कि इसमें से एक ग्लूकोज का जो होगा वह तो मोनोमेरिक एनोमेरिक कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन, तो दोनों में से एक का आप ले गो फर्स्ट कार्बन कि इसका C1, तो दूसरा का क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हैं ये बता रहे हैं कि यह जो दो ग्लूकोज का यूनिट है, दोनों ग्लूकोज यूनिट में एक का जो है कार्बन नंबर 1 है और दूसरे का कार्बन नंबर 4 है, और वही कार्बन 1 और 4 के बीच जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। उसके बाद बताए थे कि जब माल्टोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं माल्टेस के प्रेजेंस में, तो इससे मिलता है 2 यूनिट D+ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो दो वैरायटी का होता है, अल्फा और बीटा, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ जिस इंजाइम का आप यूज करे हो या इंजाइम स्पेसिफिक है फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। तो चूंकि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस जो ग्लूकोज में हो रहा है यूजिंग माल्टेज वाई यूजिंग मतलब माल्टेज का इस्तेमाल करके, तो यह माल्टेज केवल और केवल हाइड्रोलाइज करता है किसको, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो दो ग्लूकोज हैं बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज, इतना ही पता करना था। माल्टोज दो ग्लूकोज से बना है, दोनों ग्लूकोज अल्फा फॉर्म का है, उसमें से एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज का 4th कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। बस इतना सा बात हम लोग को पता करना था जो इन रिएक्शंस के आधार पे पता चला। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। इन सारे फैक्ट्स के आधार पे जो बातें सामने आई, दो ग्लूकोज यूनिट दोनों अल्फा फॉर्म के हैं, एक का कार्बन नंबर 1 दूसरे का कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। तो जिसका कार्बन नंबर 1 है वह एनोमेरिक हो गया और जिसका 4 है वो तो एनोमेरिक नहीं हुआ, तो जिसमें एनोमेरिक नहीं है वह रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो इस आधार पे अब स्ट्रक्चर बनाया जाए। पायरनोज स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे, एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच फिर एच ओ एच और यहाँ CH2OH और एच, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज। उसी प्रकार से एक यूनिट और होगा
यहाँ भी सेम अरेंजमेंट, एच ओ एच, फिर एच ओ एच, ओ एच एच, फिर एच ओ एच, यहाँ सी एच टू ओ एच और एच। ये भी वही चीज़ है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। समझोगे अब? यह कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे दो ग्लूकोज यूनिट, दोनों पायरानोज फॉर्म है और दोनों अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कैसे बताया गया है, ऐसा H2O का एलिमिनेशन होगा इस प्रकार से। और जब यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तो क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा तो ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाएंगे। फिर इसको आप ऐसे दिखाओगे, ऑक्सीजन को बीच में रखते हुए ऐसा, इस प्रकार से दिखाओगे। बीच में ओ आ जाना है और ऐसा इस पर। तो वही तो सारा बात अभी पता किए थे हम लोग कि एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे का कार्बन नंबर 4 से होगा और यह जो बना, दिस वन इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बताए थे एक प्रकार का ईथर लिंकेज होता है, वही ना है, यहाँ कार्बन नंबर 1 है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन नंबर 4, बाकी स्ट्रक्चर ऐसे है, तो ईथर लिंकेज ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। तो यही सब बात इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि एक माल्टोज यूनिट में जो दो ग्लूकोज के यूनिट आपस में जुड़े होते हैं, वे ग्लूकोज कौन से कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। तो याद रखना है, यहाँ C1 एक का और दूसरे का होता है कार्बन नंबर 4 और वे आपस में कंबाइन करके जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें से जिसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है, देखो एनोमेरिक कार्बन होता है कार्बन नंबर 1, दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन मतलब यहाँ फंक्शनल ग्रुप था अल्डिहाइड का, और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जहाँ रहेगा वही रिड्यूस कर पाएगा टॉलेंस रिएजेंट वगैरह को, जिसमें नहीं रहेगा वो नहीं कर पाएगा। हालांकि अल्डिहाइड तो किसी में नहीं है, लेकिन एनोमेरिक कार्बन फ्री किस में ही देखा जाता है। तो इसमें जो एनोमेरिक कार्बन था वो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है और इसका एनोमेरिक कार्बन जो है फ्री है, तो इसका मतलब यह जो हुआ यह रिड्यूसिंग यूनिट है, दिस वन इज रिड्यूसिंग यूनिट, और ई वाला जो है दिस वन इज नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि माल्टोज में जो दो ग्लूकोज है उसमें से एक रिड्यूसिंग वाला है, तो जो रिड्यूसिंग ग्लूकोज है वह कौन सा कार्बन लगा रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। तो यह रिड्यूसिंग यूनिट हुआ, तो यह रिड्यूसिंग यूनिट कौन सा कार्बन को लगा रहा है, 4th को। नॉन रिड्यूसिंग किसको लगा रहा है, 1 को। मतलब इतना जान लो ना कि जो एनोमेरिक कार्बन को लगा दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, एनोमेरिक कार्बन को जो लगा दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में वह नॉन रिड्यूसिंग होगा, बस इतना सा बात याद रखना है। तो यह हावोर्थ फॉर्मूला था माल्टोज का, हावोर्थ रिप्रेजेंटेशन। इसी के आधार पर यदि आप फिशर बनाओगे तो फिशर को कुछ इस प्रकार से बनाना होगा, फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे, ओ एच एच, फिर ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच, इसका तो 4 चला जाएगा उधर, एच और लास्ट में सी एच टू ओ एच, तो एक तो ये आपस में जुड़ा हुआ है ऐसा। नंबरिंग करोगे, ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 ऐसा। उसी प्रकार से एक और बनाना होगा, एक और बनाना होगा,
तो एक और बनाओगे तो उसको कुछ इस प्रकार से दिखाना होगा। OH H, फिर यहाँ OH H, OH H, फिर यहाँ H, लास्ट में CH2OH, ऐसा है। नंबरिंग यहाँ भी कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसका कार्बन नंबर 1 इसका कार्बन नंबर 4 से जुड़ेगा। देखो 1 में भी यहाँ OH रहता है ना, तो इसका OH और इसका OH कंबाइन करेगा तो H2O निकलेगा यहाँ से। तो फिर इसको ऐसे दिखाना होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ऐसे दिखाना होगा। इसको हटाओ यहाँ से, अरे ऐसे ऑक्सीजन बीच में कहीं दिखा दो, और ऐसा, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4, तो 1 वाला मतलब ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग, एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है, और ये हुआ रिड्यूसिंग, ऐसा। तो इस प्रकार से माल्टोज का हावर्थ और फिशर प्रोजेक्शन जो है हम लोग समझे। एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, और उसका हम बता दिए हैं, प्रैक्टिस सेट भी इसका अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप लोग समझोगे। मेन यही सब पूछता है कि कौन कौन सा कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, कौन सा रिड्यूसिंग यूनिट है, कौन नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है, ऐसे क्वेश्चंस। तो स्ट्रक्चर को आप बस ध्यान में रखना, इस स्ट्रक्चर को लाने के लिए पीछे उतने सारे पॉइंट्स थे, तो उन पॉइंट्स को आप समझो या ना समझो, बस इतना समझ जाना कि माल्टोज 2 ग्लूकोज से बना है, दोनों अल्फा होंगे, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेगा। जिसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है वह नॉन रिड्यूसिंग, जिसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है वह रिड्यूसिंग, बस इतना सा बात याद रखना है। तो सुक्रोज के बाद या माल्टोज भी हम लोग समाप्त किए, अब एक डाइसेक्राइड और बचा है, लैक्टोज, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।